नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तो बन में बन सारी अपडेट हम कवर करते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। जितने भी अभ्यर्थी इस वीडियो को देखें, वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप सभी को इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारियाँ मिलती रहें। तो लाइक का बटन दबा देना। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी अपडेट देखने के लिए मिलती है, 152,000 शिक्षा मित्रों को पुनः शिक्षक बनाने के लिए जो पत्र भेजा गया है, शासन को हम कह सकते हैं कि पत्र भेजा गया है। हाल ही में इसको लेकर सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं भी देखने के लिए मिली थी, क्योंकि कई न्यूज़पेपर के अंदर ऐसे आर्टिकल निकले थे जिसमें ये कहा गया था कि अखिलेश यादव जी की तरफ से आगामी समय में इन शिक्षा मित्रों को दोबारा से शिक्षक बनाया जाएगा। उसी क्रम में आज की तारीख में अपग्रेड पैरा टीचर्स एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की तरफ से एक पत्र भेजा गया है, जो कि आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके क्रम में यहाँ पर जानकारी दी जाती है कि यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री, अगर बात करें अखिलेश यादव जी के द्वारा, उत्तर प्रदेश लखनऊ सरकार को यहाँ पर पत्र भेजा गया है। ऐसे में 2021 का आप सभी को जो पत्र है वो देखने के लिए मिलेगा। हालांकि आप सभी जानते हैं कि फिलहाल अगर हम बात करें वर्तमान सरकार की तो योगी सरकार है, लेकिन ऐसे में इनकी तरफ से बयान जब जारी हुआ तो उसके बाद से यहाँ पर उनका कहना है कि 152,000 अवशेष कार्यरत शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक के पद पर पुनः बहाल करने के संदर्भ में यहाँ पर लिखा गया है। सादर अवगत करवाना चाहता हूं कि हम सभी शिक्षा मित्रगण साथ ही 2001 से निरंतर प्राथमिक विद्यालयों के अंदर गुणवत्ता के साथ शिक्षण का जो कार्य वो कर रहे हैं। आपके द्वारा हमें 2014-17 तक सहायक अध्यापक पद प्राप्त हुआ था, परंतु माननीय उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय की तरफ से 25 जुलाई 2017 को सहायक अध्यापक पद को निरस्त कर दिया गया। वर्तमान में उन सभी की काफ़ी ज़्यादा समस्याएँ देखने के लिए मिल रही हैं। ऐसे में स्नातक और सातवें स्नोकोत्तर BTC करके बैठे हुए हैं, हालांकि पढ़ा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें लिखी हैं वो मैं आप सभी को बता रहा हूँ। उसी क्रम में नीचे आप सभी को अभी जानकारियाँ देखने के लिए मिलेंगी। नीचे लिखा गया है कि इनको दोबारा से बहाल कर दिया जाए सहायक अध्यापक पद के लिए। उसी को लेकर यहाँ पर लगभग 152,000 शिक्षा मित्रों की तरफ से जो पत्र है वो लिखा गया है। फिलहाल जैसा कि आप सभी जानते हैं, आगामी समय के अंदर चुनाव होने वाले और चुनाव के बाद ही सब कुछ होगा, लेकिन अभी से मांगे देखने के लिए मिलनी शुरू हो गई हैं। वहीं दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट के बारे में, UPTET साथ में एडेड जूनियर को लेकर आज की तारीख में PNP सचिव से मुलाकात हुई, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिली, क्योंकि लगातार UPTET वाले अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं कि इसका नोटिफिकेशन कब तक जारी किया जाएगा। तो ऐसे में आज की तारीख में PNP सचिव से मुलाकात करते हुए जानकारी लेने का प्रयास किया गया कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर तो शासन की तरफ से यहाँ पर जानकारी दे दी गई है कि आपकी जो परीक्षा है वो 17 तारीख को होने वाली है, और इसके साथ सारा का सारा जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया है। अब इसको लेकर कोई संशय नहीं है, ऐसा भी PNP सचिव ने बताया। लेकिन उनका कहना था कि एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही है, वो है UPTET 2021 को लेकर। उनका कहना है कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के साथ ही यहाँ पर एक और प्रस्ताव बनाकर भेज दिया गया था UPTET का, जिसकी परीक्षा 19 दिसंबर को करवानी थी, लेकिन शासन की तरफ से अभी तक UPTET को लेकर मंजूरी नहीं दी गई है। ऐसे में उनका कहना है कि सरकार से उम्मीद की जा रही है कि जल्दी इस मुद्दे को लेकर संज्ञान में लेकर जल्दी से जो मंजूरी है वो दी जाए। जैसा कि आप सभी इमेजेस के माध्यम से देख पा रहे हैं, PNP सचिव के साथ मुलाकात करते हुए यहाँ पर जानकारी लेने का प्रयास किया गया कि आखिर UPTET की परीक्षा कब होने वाली, और जो प्रस्ताव बनाकर भेजा था तो उनका कहना है कि जो आपकी UPTET की परीक्षा है वो 19 दिसंबर को कराए जाने को लेकर प्रस्ताव शासन को भेजा है, इससे एक दो कदम आगे पीछे हो सकती है, मतलब कि तारीख। अब ऐसे में सब कुछ डिपेंड होता है सरकार के ऊपर, जैसे कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में हुआ, क्योंकि PNP सचिव की तरफ से प्रस्ताव बनाकर भेजा गया था 17 अक्टूबर का, वहां से जैसी मंजूरी मिली एक पूरा का पूरा जो कार्यक्रम है वो जारी कर दिया गया। साथ ही छात्रों की तरफ से एडेड जूनियर को लेकर भी पूछा गया, तो उनका कहना है कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर जो तारीख शासन की तरफ से मिली है, अब उसी में परीक्षा को लेकर आगे की जो चीज़ें वो देखने के लिए मिल रही हैं, मतलब जो जूनियर शिक्षक भर्ती वाले अभ्यर्थी हैं, अब आप सभी के पास समय आ चुका है कि आप सभी अपनी तैयारी को सीधे 5वें गियर में लेकर जा सकते हैं, क्योंकि समय कम है और तैयारी आपको पूरी करनी है। हालांकि समय आपको पहले बहुत सारा मिल गया था, लेकिन जब तारीख आ जाती है तो उसके बाद कहने की मोटिवेशन भी आ जाती है। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को UPTET साथ में एडेड जूनियर को लेकर, क्योंकि एडेड जूनियर का कार्यक्रम जारी हो गया। सचिव का कहना है कि उनकी जो तैयारी है वो 3 तारीख पे आपकी परीक्षा कराने की है। वहीं दूसरी तरफ UPTET 2021 को लेकर PNP सचिव की तरफ से बताया गया कि शासन का इंतजार किया जा रहा है, जैसे ही वहां से कार्यक्रम जारी होता है आगे की जो कार्यवाही शुरू कर दी जाएगी UPTET 2021 को लेकर। जानकारी ये भी मिली थी कि इसी महीने इसका नोटिफिकेशन जारी हो सकता है।
तो अभी तक जिन छात्रों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप सभी को इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारियां मिलती रहे। तो ये बात हो जाती है यूपी टीईटी साथ में एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर। लेकिन भाई दूसरी तरफ बात करें एक और बड़े मुद्दे के बारे में, जो कि संबंधित है 1,37,000 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती को लेकर। यहाँ पर लाख नहीं लिखा है, लिखवा देंगे, ठीक है ना। ऐसे में 1,37,000 शिक्षा मतलब प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती को लेकर लगातार जो मांगे वो लखनऊ के अंदर देखने के लिए मिल रही है। छात्रों की तरफ से पिछले कई दिनों से 22,000 के मुद्दे को लेकर धरना प्रदर्शन दिया जा रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ आप सभी जानते हैं कि 69,000 के आरक्षण मुद्दे को लेकर भी एक बड़ी संख्या में धरना प्रदर्शन का आयोजन हुआ, जिसकी जानकारी मैंने उसी के बाद से 69,000 के आरक्षण मुद्दे को लेकर सरकार की तरफ से यहाँ पे ACS सर को भेजा गया। उनकी तरफ से आरक्षण वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ में मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद में उनको आश्वासन दिया कि आगामी 15 दिनों के अंदर 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर आरक्षण घोटाले को लेकर जो मामला उठाया जा रहा है, इसको लेकर एक कमेटी बनाई गई है। उस कमेटी के माध्यम से जो अपनी रिपोर्ट है वो सौंपी जाएगी और उसके बाद में जो भी फैसला होगा उसकी जानकारी आप सभी को दे दी जाएगी। तो ऐसे में 69,000 की आरक्षण मुद्दे को लेकर भी कमेटी बनाई गई है, जिसकी जानकारी देखने के लिए मिल रही है कि 15 दिनों के बाद में यहाँ से एक नई रिपोर्ट सौंपी जाएगी, उसके बाद में छात्रों की तरफ से जो फैसला होगा वो लिया जाएगा रिपोर्ट के आधार पर। साथ ही ये भी कहा गया था कि मुख्यमंत्री सर से मुलाकात भी होगी 69,000 के आरक्षण मुद्दे को लेकर। लेकिन वही दूसरी तरफ एक और बड़ा मुद्दा है 1,37,000 पदों को भरने के बारे में, मतलब कि 1,37,000 की दो भर्ती हो जाती है, 41,000 साथ में 69,000, जिसके अंदर लगभग सारे पद भर गए थे 68,500 के 22,000 या 23,000 पदों को छोड़कर। उसी क्रम में छात्रों की तरफ से कल की तारीख में एक बैठक देखने के लिए मिली। यहाँ पे अगर बात करें इन्हीं की अध्यक्ष में उस कमेटी का गठन किया गया है, मुकुल सेयल, जैसा कि आप सभी देख पाए, इन्हीं की अध्यक्ष में 69,000 के आरक्षण के मुद्दे को सुना गया और इन्हीं की अध्यक्षता के अंदर 22,000 सीटों को लेकर भी सुना गया। यहाँ से जानकारी देखने के लिए मिली है कि हाल ही में हुई बैठक को लेकर जो भी रिपोर्ट तैयार की जाएगी उसको लेकर यहाँ पे सरकार की तरफ से या फिर अगर बात करें इनकी अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई गई है उनकी तरफ से 69,000 के 22,000 साथ में आरक्षण के मुद्दे को लेकर अपना जो फैसला है वो सुनाया जाएगा और उसके बाद में सरकार की तरफ से फैसला लिया जाएगा। हालांकि इसको लेकर यहाँ पे छात्रों की तरफ से अलग अलग जो पोस्टें वो की जा रही हैं उसी को लेकर यहाँ पे आप सभी के सामने एक और पोस्ट देखने के लिए मिलती है, जिसमें अभ्यर्थियों का कहना है कि अगर बात की जाए 1,37,000 पद प्लस आरक्षण का एक में समाधान निहित होगा, तो उसी को लेकर आगे उनकी तरफ से बताया गया कि एक बार फिर से 15 सितंबर के आसपास उनके डेलीगेशन को बुलाया जा सकता है। कल की तारीख में जो अधिकारियों के साथ मुलाकात हुई है उसके बाद से यहाँ से काफ़ी चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं। आसान भाषा में आपको समझाना चाहूँ तो कल की तारीख में 22,000 के मुद्दे को लेकर जानकारी ली गई है इनकी तरफ से, 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण के मुद्दे को लेकर भी देखने के लिए मिला है। अब ऐसे में 1 से 2 दिनों के अंदर या फिर आगामी 1 हफ्ते के अंदर दोनों ही मुद्दे के बारे में रिपोर्ट तैयार करके जानकारी शासन को दी जाएगी, चाहे वो 22,000 का मुद्दा हो या फिर 69,000 के आरक्षण का मुद्दा, और इसी कमेटी के माध्यम से जो फैसला है वो लिया जाएगा। हालांकि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट भी यहाँ पे काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। तो 1,37,000 पदों के बारे में, साथ में 22,000 खाली सीटों को लेकर और 69,000 के आरक्षण के मुद्दे को लेकर आगामी हफ्ता काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा और उसी के अंदर फैसला लिया जाएगा कि इन सीटों को क्या होना है, 22,000 सीटों को क्या किया जाएगा, साथ में 69,000 आरक्षण मुद्दे वाले छात्रों को क्या राहत मिलेगी या फिर राहत मिलेगी या फिर आगे का और मामला चलेगा, क्योंकि छात्रों की तरफ से कहा गया है कि विधानसभा में घेराव करेंगे। तो काफ़ी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगी आगामी कुछ समय के अंदर। जल्दी इसको लेकर कमेटी की तरफ से अपनी जो रिपोर्ट है वो सौंपी जाएगी, जिसमें 3 बड़े फैसले होंगे, 1,37,000, 22,000 साथ में 69,000 का आरक्षण का मुद्दा। जो भी अपडेट होगी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।